वेलकम टू माई चैनल आज बनाएंगे स्प्राउट विच इज़ कंसिडर्ड एज लिविंग फूड एंड सुपर फूड मैंने लिया है होल ग्रीन मूंग हाफ कप एंड बेंगोल ग्रम वन थर्ड कप अब इसको वॉश करना है विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप उसके लिए पहले इसको कुछ देर के लिए सोक करके रखना चाहिए तो फिर इसको जब आप रब करते हैं तो जितना भी उसमें डस्ट होता है डर्ट होता है वो आसानी से निकल जाता है और तब तक हमें उसको साफ़ करते रहना है जब तक ना वाटर ट्रांसपेरेंट हो जाए अब देखो वाटर क्लियर है अब इसको हम ड्रिंकिंग वाटर में सोक करेंगे उसको कवर कर देंगे और रख देंगे फॉर फाइव टू सिक्स आवर्स नॉट मोर देन दैट नहीं तो ये सीड्स ख़राब हो जाते हैं नाउ यू कैन सी दैट सीड्स हैव स्वोलन अप ये जो पानी है इससे हम क्या करें इसमें वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स होते हैं और अगर आप श्योर हैं कि हाँ ये साफ़ है इसमें कोई गंदगी नहीं है तो आप इसको कुकिंग के लिए या आटा मारने के लिए यूज़ कर सकते हैं बट यूज़ इट इमीडिएटली डोंट स्टोर इट अब स्प्राउटिंग मेथड वन मलमल -मल का कपड़ा जो है उससे यूज करेंगे उसमें क्या करेंगे इसको मॉइस्ट कर लेंगे और उसके अंदर जो सीड्स है उसको रख देंगे कवर करके अच्छे से मॉइस्ट क्यों चाहिए क्योंकि इसको वाटर चाहिए कपड़ा क्यों लेते हैं क्योंकि इसको ब्रीदिंग के लिए एयर चाहिए इसको एक कंटेनर के ऊपर रखूंगी मैं ऐसे ही नहीं रखूंगी एंड देन आई विल कवर इट विथ अनदर स्ट्रेनर जिससे कि उसको एयर तो मिले बट इट रिमेन्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंसेक्ट्स और लिजर्ड्स बीन्स को हैंग करके भी स्प्राउट आ जाता है स्प्राउटिंग होते हैं दे कंटेन मोर विटाम मोर प्रोटीन्स दैट इज वाई दे आर कॉल्ड सुपर फूड एंड ईज़िली डाइजेस्टेबल स्प्राउट्स प्यर्स थ्रू द होल्स ऑफ द क्लॉथ उसको हमें केयरफुली रिमूव करना होता है कि वो टूट ना जाए ऐसे करके ये मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ एक साथ भी कर सकते हैं ऐसे यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल दे आर आफ्टर स्प्राउटिंग सीड्स बिकम ऑलमोस्ट थ्री टाइम्स इन वॉल्यूम बंगाल ग्राम थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है स्प्राउट होने के लिए तो मैं क्या करती हूँ जब वो स्प्राउट इनिशिएट करता है मैं उसको रैप करके मॉइस्ट क्लोथ में एक नॉर्मल कंटेनर में फ्रिज में रख देती हूँ तो उसमें स्प्राउट भी अच्छे से हो जाता है ख़राब भी नहीं होता सेकेंड मेथॉड यूजिंग ए कॉलेंडर तो एक कंटेनर uh, में मैं थोड़ा सा पानी लिया है कॉलेंडर को उसके ऊपर रखा है कॉलेंडर शुड नॉट टच दाटर उसके ऊपर मुझे सोक्ड सीड्स को रखना है और फिर इसको मैं कवर कर दूंगी टू मॉइस्ड क्लोथ में लूँगी जस्ट फॉर प्रोटेक्शन दोनों ही मॉइस्ड होगा और इसको मैंने कंटेनर के अंदर क्यों रखा जस्ट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड लेजर्स आफ्टर ट्वेल्व आवर्स विल सी कि जो ग्रीन मूंग है उसमें तो बहुत अच्छे से स्प्राउट हुआ है ब्लैक चना में भी स्प्राउट हुआ है अब मैं इसको मॉइस्ट क्लॉथ से रैप करके एक नॉर्मल कंटेनर में फ्रिज में रख दूँगी तो ये स्प्राउट्स थोड़ा लम्बे हो जाएंगे स्प्राउट का पियर्सिंग का प्रॉब्लम कॉलेंडर में थोड़ा कम होता है माइक्रोवेव के अंदर भी स्प्राउट करा जा सकता है माइक्रोवेव स्विच ऑफ रहेगा उसमें हम इसको रख देंगे फॉर ट्वेल्व आवर्स प्राउट हो जाने के बाद यू ऑलवेज शुड वॉश द सीड्स ताकि वो खराब ना हो जाए